हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे होंगे कोर जावा एफएक्यूज के बारे में, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उन पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले होंगे, व्हाई वी कांट यूज़ दिस कीवर्ड। और इस कीवर्ड को हम कभी कभी बोल देते हैं प्री डिफाइंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो। हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर दिस कीवर्ड को क्यों यूज़ नहीं करते हैं, व्हाई वी कांट यूज़ दिस इनसाइड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी हमारे पास एक क्लास होती है, अगर मैंने यहाँ पर एक क्लास डिफाइन किया, अभी हमारे पास सपोज एक क्लास है क्लास ए, और इस क्लास के अंदर हमारे पास है एक वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल सपोज इंट ऑफ ए। इंट टाइप का एक वेरिएबल ए डिफाइन किया हुआ है। इस वेरिएबल ए को आप एक्सेस करना चाहते हो इनसाइड दी नॉन स्टैटिक एरिया, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर मेन मेथड डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये हमारे पास मेन मेथड डिफाइन हो जाएगा। इसके अंदर हमने आर्गुमेंट पास किया स्ट्रिंग ऑफ आर्क्स स्क्वायर ब्रैकेट, और अब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, इस क्लास लेवल वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मुझे इस स्टैटिक एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी टू एक्सेस दी क्लास लेवल वेरिएबल। तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसका एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है OBJ1, कोई भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पर इसका। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर नॉन स्टैटिक चीजों को एक्सेस करना है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट की नीड आपको लगती है, लेकिन अगर आप उस क्लास के अंदर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हो नॉन स्टैटिक एरिया के अंदर, तो आपको इस दिस कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन यही तो रेज हो रहा है कि दिस को हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के दो पार्ट होते हैं, मेनली हैविंग टू कॉन्टेक्स्ट ओनली। पहला हमारे पास होता है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। पहला हमारे पास होता है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा हमारे पास होता है नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट और नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट? एक एरिया है स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, एक एरिया है। क्या एरिया है, मतलब इसका क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? मैंने बोल रही है कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है एरिया दैट वी कैन एक्सेस। मैंने बोला एक एप्लीकेशन हमने डिजाइन की और फॉर इंस्टीट्यूशन, हमने कोचिंग एरिया मान लिया, एक इंस्टीट्यूशन मान लिया जहां पर क्लासेस चल रही हैं। उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को जब हमने स्टेब्लिश किया, तो उसका एक हमने पॉइंट रखा, क्या एक ए मान लो, समझ लो ये हमारे इंस्टीट्यूशन के प्रेमिसेस हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रिसेप्शन एरिया है। ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये हमारे पास रिसेप्शन एरिया है सपोज इस इंस्टीट्यूशन का, या फिर एक हमारे पास कोचिंग जो हो गई, या फिर हमारे पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो आईटी की कोचिंग प्रोवाइड करता है, वहां पर हमने एक रिसेप्शन ले लिया। ये जो रिसेप्शन एरिया है, इस रिसेप्शन एरिया को हमने बोल दिया कि जो भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए इंक्वायरी करने के लिए आ रहा होगा, वो सबसे पहले रिसेप्शन पर आके पूछेगा, जिस भी कोर्स से रिलेटेड उसको इंक्वायरी करना है, रिसेप्शन एरिया मान लिया हमने। और इसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है। यहां पर एक एक पर्टिकुलर इंसान बैठा होगा और उस इंसान को हमने बोल दिया ये हमारा एडमिन है। इस इंसान को हमने बोल दिया ये हमारा क्या है, एक एडमिन है, और ये हमने एडमिन ड्रॉ कर दिया सपोज दिस इज वन एडमिन। और ये एडमिन क्या कर रहा होगा, ये एडमिन जो भी रिक्वायरमेंट आ रही होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्वायरी प्रोवाइड कर रहा होगा, उस कोर्सेस के रिलेटेड इंक्वायरी प्रोवाइड कर रहा होगा। और हमने बोला कोई स्टूडेंट हमारे पास, एक स्टूडेंट है, और स्टूडेंट आया, स्टूडेंट ने आके
क्या किया यहाँ पर इंक्वायरी की किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, दिस इज वन स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डायरेक्टली सबसे पहले कहाँ पर आता है, डायरेक्टली स्टूडेंट आता है उस इंस्टीट्यूशन के प्रेमिसेस में रिसेप्शन पर और पूछता है, इंक्वायरी करता है। सपोज हमारे पास स्टूडेंट वन है और ये हमारा एडमिन है, और ये एडमिन कहाँ पर है, रिसेप्शन पर है। सबसे पहले स्टूडेंट एस वन आया और उसने एडमिन से इंक्वायरी की उस पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड जिसको करने के लिए वो एस वन यहाँ पर आना चाहता है। ये रिसेप्शन को मैं बोल रहा हूँ, दिस इज अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर स्टूडेंट को किसी भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको हमने बोला स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, एक ऐसा प्लेस जिसको वो इजिली एक्सेस कर पा रहा है, जिसको वो इजिली एक्सेस कर पा रहा है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कुछ ऐसे एरिया भी होंगे, कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट भी होंगे जो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, जो विदाउट परमिशन आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक प्रेमिसेस, एक हमने पर्टिकुलर एक ब्लॉक बना दिया, एक एरिया ले लिया, और वो एरिया हमारे पास एक क्लासरूम हो गया। सपोज दिस इज वन क्लासरूम, एक और क्लासरूम ले लिया हमने, दिस इज वन अनदर क्लासरूम, और एक और हमने क्लासरूम ले लिया, दिस इज थर्ड क्लासरूम। ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि ए मेमोरी को अलोकेट, मतलब मेमोरी अलोकेट हो रही होगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मतलब वो मेमोरी ले रहा होगा, और वो मेमोरी ले रहा होगा तो उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, तो हमने उसका एड्रेस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई एड्रेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने कोई एड्रेस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल ए ऐसा प्लेस है, अब एक ऐसा प्लेस है रिसेप्शन जिसको एस वन स्टूडेंट इंक्वायरी करने के लिए आया और विदाउट एनी परमिशन एक्सेस कर पा रहा है, उसको हमने बोल दिया स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। उसने बोला कि मुझे जावा की क्लासेस करना है सर, मुझे जावा की क्लासेस करना है, तो यहां पर एडमिन क्या जावा को उसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सेस कर सकता है क्या, कि एडमिन ये बोल सकता है कि ये जो एरिया है, ये जो रिसेप्शन एरिया है, यहीं पर ये दिस, यहीं पर आप जावा की क्लासेस को कर रहे होगे, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, ये जावा की क्लासेस यहां पर नहीं चल रही हैं। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, यहां पर जावा की क्लासेस नहीं चल रही हैं, यहां पर जावा की क्लासेस चल रही हैं। अगर एडमिन को इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एंटर करना है, जो कि हमारे पास जावा का पहला क्लासरूम है, तो उसको इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की परमिशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी। इसको मैंने बोल दिया ये हमारे पास सपोज रूम नंबर वन है, ये हमारे पास सपोज रूम नंबर टू है, ये हमारे पास सपोज रूम नंबर टू है, और ये हमारे पास सपोज रूम नंबर थ्री है। रूम नंबर वन, रूम नंबर टू एंड रूम नंबर थ्री, यहां पर हमने बोला कि जावा की क्लासेस चल रही हैं, यहां पर हमने बोला कि पाइथन की क्लासेस चल रही हैं, यहां पर हमने सपोज बोला कि फॉर एग्जांपल पीएचपी की क्लासेस चल रही हैं। तो एडमिन क्या बोलेगा, एडमिन अगर इस स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट जिसको मैं रिसेप्शन बोल रहा हूं, जिसको मैं फ्री एक्सेस बोल रहा हूं, अगर इस एडमिन को इस एस वन को बताना पड़ेगा तो क्या बोलेगा ये कि दिस इज अ जावा क्लासरूम, दिस इज, तो दिस यहां पर वैलिड तो नहीं है। अगर इस एडमिन को इस एस वन को बताना है कि जावा की क्लासेस यहां पर चल रही हैं, या फिर रेफरेंस के तरीके से बताना चाहता, दिखाना चाहता कि क्लासेस इज गोइंग ऑन इस पर्टिकुलर एरिया में, तो एडमिन को इस रूम वन की रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट वन रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट टू रेफरेंस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट थ्री रेफरेंस वेरिएबल, रूम नंबर थ्री।
तो एडमिन को रूम नंबर वन की रिक्वायरमेंट है, उस रूम नंबर वन के अंदर आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहां पर आप बोलो कि दिस, यहां पर आप बोल रहे होगे ना कि दिस इज अ जावा क्लास, यहां पर आप बोलोगे ना कि दिस इज पाइथन क्लास, यहां पर पाइथन क्लास चल रही है, यहां पर पीएचपी क्लास चल रही है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो डायरेक्टली एडमिन यहां पर कॉन्टेक्ट कर रहा होगा यहां पर इस पर्टिकुलर रेफरेंस वेरिएबल, यहां पर इस रेफरेंस वेरिएबल, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, ये हमारे बोलेंगे दिस डॉट जावा क्लास, दिस डॉट जावा, यहां हम बोलेंगे दिस डॉट पाइथन, ये हमारे पास नॉन स्टैटिक एरिया है, नॉन स्टैटिक एरिया है। लेकिन स्टैटिक एरिया के अंदर हमको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, रूम नंबर वन बताना पड़ेगा, रूम नंबर वन यहां पर बताना पड़ेगा, रूम नंबर टू, यहां पर आप दिस नहीं बोल सकते हो कि दिस इज अ जावा क्लास रूम, रूम नंबर थ्री, और रूम नंबर थ्री के अंदर एक एड्रेस स्टोर है, इस एड्रेस के हिसाब से एडमिन पॉइंट आउट कर रहा होगा कि यहां पर क्लास चल रही है जावा की। अब S1 क्या करेगा, S1 आएगा, एंटर करता है इस पर्टिकुलर रूम नंबर वन के अंदर, क्लास के अंदर, और वो किसी पर्टिकुलर दूसरे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा होगा, पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर इंटरेक्ट कर रहा होगा, क्या ये जावा क्लासरूम है, वहां पर आंसर हुआ यस दिस इज जावा क्लासरूम, यस दिस इज पाइथन क्लासरूम, यस दिस इज पीएचपी क्लासरूम। तो नॉन स्टैटिक के अंदर हमें दिस की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैटिक के अंदर हमको दिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इस वजह से हम दिस को स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। और इस क्लास स्टूडेंट के अंदर अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया int sid, int sid सेमीकोलन, अब मुझे इस मेन मेथड के अंदर ये हमारे पास स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारे पास स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, और ये हमारे पास मेन मेथड स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट है, इसके अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ एस वाई एस ओ कंट्रोल स्पेस, और यहां पर हमने एक्सेस किया दिस डॉट एस आई डी, एरर आ जाएगी, बोलेगा कैन नॉट यूज दिस इन अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, क्यों, ये हमारे पास स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस बनाना पड़ेगा, तुमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया एस वन इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट, और न्यू ऑफ स्टूडेंट ए ऑब्जेक्ट है और ये मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा होगा जिसकी लोकेशन मैंने 20 2078 की है। यहां पर S1 ने एडमिन से पूछा इज दिस जावा क्लासरूम, दिस इज अ जावा क्लासरूम, दिस डॉट जावा, अगर उसको एक्सेस करना है जावा क्लासरूम को तो यही तो बोला है, दिस इज अ जावा क्लासरूम, दिस डॉट जावा। तो यहां पर एडमिन ने बोला दिस इज नॉट अ जावा क्लासरूम, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप दिस को यूज नहीं कर सकते हो। तो उसने बोला जावा का क्लासरूम कहां है, मैंने इंक्वायरी ले ली है, मुझे एडमिशन लेना है, मुझे एक बार क्लास के बारे में बात करना है, बच्चों से बात करना है, फैकल्टी से बात करना है। तो एडमिन ने बोला क्लास चल रही है जावा की रूम नंबर वन में, तो यहां पर एडमिन को एक रूम नंबर वन की रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, रूम वन डॉट जावा, क्योंकि उस रूम के अंदर जावा की क्लास चल रही, रूम वन ए हमारे पास है। अब यहां पर स्टूडेंट गया, उसने बोला इज दिस जावा क्लास रूम, ये नॉन स्टैटिक एरिया है, दिस डॉट जावा क्लास रूम, यहां पर आप दिस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो इजिली। तो जब हम नॉन स्टैटिक के अंदर चीजों को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें दिस कीवर्ड की जरूरत पड़ती है, और वो एक डायरेक्टली करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं अपन इसको, दिस इज अ करंट क्लास ऑब्जेक्ट भी हम बोलते हैं, कि अगर वो नॉन स्टैटिक एरिया के अंदर अगर एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो यूजिंग दी दिस। तो अगर मुझे यहां पर एक्सेस करना है एस आई डी को, मैं यहां पर ये नॉन स्टैटिक एरिया है, ये हमारे पास नॉन स्टैटिक एरिया, हमने यहां पर एस वाई एस ओ लिखा कंट्रोल, तो हमने इसके अंदर मैं डायरेक्टली एक्सेस करना चाहता हूं दिस डॉट को आराम से कर सकता हूँ दिस डॉट एस आई डी, नो प्रॉब्लम।